हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शहबाज शरीफ, ये तुम्हारा भी वक्त आ गया है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, आज आपको पैगाम दे रहा हूं, कल भी मैंने आपसे बात की, जब भी आप तैयार हैं तरीके साफ आपके साथ निकलेगी। Enough is enough. No has to be brothers apart, also has to resign. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब चीफ जस्टिस साहब का और उनके पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूँ। हमारी कौमी सत्ता की एक संजीदगी है, अगर वो बरकरार न रही तो ये सब चीजें मुतासर हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। एन इस वक्त जब हैदराबाद में एमकेएम पाकिस्तान एक बड़ा जलसा कर रही है, अपनी ताकत का शो कर रही है, आज ही पाक सरजमीन पार्टी ने एमकेएम में एक और नकबदनी की। सलमान मुजाहिद बलोच रुकने कौमी असम्बली आज PSP में चले गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल फिर वादे किया क्वेटा में खड़े होके कि हकूमत फौज का काम नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर सियासतदान कुछ और सोच रहे हैं, किसी नए धरने की तैयारी हो रही है। आसिफ अली जरदारी ने कल डॉक्टर ताहिरुल कादरी को यकीन दिलाया कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी हुक्म करेंगे तो वो साथ मिल जाएंगे। इमरान खान ने कल उनसे बात की और आज फिर उन्हें कहा कि आप निकलें, हम आपके साथ हैं। ऐसे वक्त में जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और मुतनाज़ा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक में हालात ख़राब होने का अंदेशा है, पाकिस्तान में भी सियासी सूरत हाल, हकूमती सतह पर सियासी जमातों के दरमियान कुछ हालात अच्छे नहीं नज़र आ रहे, इसलिए आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ जाके मुलाकात कर ली डॉक्टर ताहिरुल कादरी से। मुस्तफा कमाल आने वाले कल को बात करेंगे और परसों यानी इतवार के रोज चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही भी जाकर उनसे मिलेंगे। तो फिर होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में, ये हमारा आज का अहम और बहुत ही वैलिड मौजू है। मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैनिटर अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से PTI के मरकजी रहनुमा फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब आपने वक्त दिया। और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सरदार नबील गबोल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनरल साहब, आपकी आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल फिर वादे कर दिया कि हकूमत फौज का काम नहीं है, नून लीग के कुछ कंसर्न्स एले हुए इससे। देखें, बात यह है कि ये बात तो बड़ी वाजे है ना जो चीफ आर्मी स्टाफ ने कही, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही कहेगा, और चे जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हाईली रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर है, कि ये जो मुल्क चलाना है ये अवामी नुमाइंदों का काम है और अफवाज पाकिस्तान हकूमत की सपोर्ट में होती है, रियासत का अदारा है, रियासत की सपोर्ट में होता है। और इस तरह के कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करने वाले वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आगे सियासी मैदान या सियासी अखाड़े में मुकाबला करने के लिए ये जो सीधा रास्ता है ये शायद उनके लिए मुश्किल रास्ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी ये हमें खुशी है और हमें फख्र है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत है और उसके ऊपर लोगों के जलसे भी हो सकते हैं, बयानात भी आ सकते हैं, इलेक्शन ईयर भी है, अलायंसेस भी बन सकती हैं, ये सब कुछ एक आईनी अमल है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना होगा कि जब आप ये सेट करते हैं कि हम इकट्ठे होके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसकी जमहूरियत पे अपना यकीन नहीं रख रहे, आप ये चाह रहे हैं कि दरमियान में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे ये सिस्टम डिसरप्ट हो जाए, तो उसमें शायद हमें कोई सूरत हाल हो या हमें कोई वे आउट निकल आए। मेरे ख्याल में ये किस जमात के भी फायदे में नहीं है,
आज मुस्लिम लीग नून की हकूमत है, कल किसी और की हो सकती है, परसों किसी और की हो सकती है, लेकिन अगर हमने सिस्टम को डिरेल किया और लेवर इन किया अफवाजे पाकिस्तान को या कोई ऐसा तरीका जिससे जनरल साहब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट जनरल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि सारे ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या हकूमत को मुस्लिम लीग नून को कोई कंसर्न है जैसे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं? हुकूमतों तो रीच आउट किया करती हैं, हुकूमत रीच आउट नहीं कर रही? फिर देखें हुकूमत अपने तौर पे जो हमारी टीम है वो अपनी एफर्ट्स अपने लेवल के ऊपर, यानी बार आज आप आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं नहीं मिलना चाहता तो उनको कोई ऑफकोर्स अप्रोच करता है तो वो इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम तो एक ऐसी माहौल पॉलिटिकल जिसके अंदर पार्टियां सियासी मुकासमत तो जरूर करें, आज हमारा अपना अपना एजेंडा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सिस्टम के बचाने के लिए और मुल्क की रियासत की जो मफादात है उनके तहफ्फुज़ के लिए हमें एक होके खड़ा होना जरूरी है। इसी नुक्ते पे रहिएगा, इसी नुक्ते पे जल साहब, इसी नुक्ते पे मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। सरदार नबील गबोल साहब बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ ले आए, मेरी ख्वाहिश थी कि आप इधर ही आते, आपने मेहरबानी की, लेकिन आज क्या हुआ ये कराची में? पहले तो एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी इकट्ठे बैठे, कहा ऐलान भी किया हम इकट्ठे हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन वो ख़राब हो गया, लेकिन सलमान मुजाहिद बलोच साहब तो आसिफ जरदारी से मुलाकात कर चुके थे, हम समझ रहे थे शायद वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, आज वो मुस्तफ़ा कमाल को प्यारे हो गए, ये क्या टर्न आया है? देखिए मुस्तफ़ा कमाल का और फारूक सत्तार की जो पार्टी है इनका ये मसला जो है ना ये सास बहु वाला मसला है और ये किसी को इस तरह आसानी से समझ आएगा नहीं। मैं समझता हूँ कि कराची की सिचुएशन अब ऐसी है कि जिसको लंदन की आशीर्वाद हासिल है वो जो है जलसा करता है लियाकतबाद में, और लियाकतबाद जो कि 9-0 यानी आप डॉक्टर फारूक सत्तार की बात कर रहे हैं ना, यानी लियाकतबाद में तो उन्होंने जलसा किया, उन्होंने जब जलसा एक कामयाब किया तो कुछ लोगों ने समझा कि फारूक सत्तार लंबे रेस का घोड़ा है तो उसको उस घोड़े को जो है खिलाया पिलाया जाए ताकि उसको इलेक्शन के लिए तैयार किया जाए। कुछ लोगों ने समझा कि नहीं, चूंकि उसके रबते अगर लंदन वालों के साथ हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है तो क्यों ना मुस्तफ़ा कमाल को एक मौका दिया जाए दोबारा से। आप बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार का रबता है लंदन से। मैं देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, उसमें कल अगर फारूक सत्तार एमक्यूएम जलसा कर दे और कामयाब जलसा कर ले तो इसका मतलब हमारा आशीर्वाद हासिल है ना उसको। जी हाँ, वैसा कैसे कर जाएगा, वो कर ही नहीं सकता है वो। तो ये कहना कि जी लालू केट लियाकतबाद को कहते हैं कराची में और 9-0 के सामने है, बिल्कुल वहाँ पर जलसा, कामयाब जलसा, और आज हैदराबाद में कामयाब मैं समझता हूँ जलसा, ये बड़ा जलसा हो, बड़ा जलसा हो गया। अब वो सखर में तो उसको कहा गया कि अपना स्ट्रेंथ शो करो। किसने कहा? मतलब जो सियासी देखे ना, हम भी कहते हैं अगर हमारे पास कोई मिलने आता है, जैसे आपने सलमान मुजाहिद की बात की, सलमान मुजाहिद कुछ नहीं है, सलमान मुजाहिद जो जीता है वो एमक्यूएम के जैसे जीता है, पीएसपी के पास वो लंगड़े घोड़े हैं जिनको मतलब वो रेस कोर्स में भगा नहीं सकते, ठीक है ना, और महाजर कार्ड जो खेल रहा है, जीरो कर रहे हैं मुस्तफा कमाल। देखिए मैं आपको बताऊं, महाजर कार्ड जो खेल रहे हैं ना इस वक्त, असल जंग, असल वोट बैंक है महाजरों की, उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोलने वाले की। अब अगर फारूक सत्तार कामरान टिसोरी को जो महाजर है भी नहीं, अब कहां घूम के उसको डिप्टी कन्वीनर बना लिया और आमिर खान को नाराज कर लिया, तो बड़ी मुश्किल से उनको फिर दोबारा बिठाया गया है कि भाई क्योंकि लंदन वालों को फेस करना है, लंदन वालों को जीतने नहीं देना है। और मैं समझता हूं कि ये अगर इलेक्शन हुए, जो कि मैं साफ आपको बताऊं मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, क्यों इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, आज आप लिख के ले लें, ये सारी सियासी एक्टिविटी मैं आपको बताऊं कि ये एक्टिविटीज तो ये बड़े नादान है जो कर रहे हैं। अगर ये जो हल्का बंदियां नहीं हुई, अगर सेंसस के मुताबिक हल्का बंदियां नहीं हुई और उसको डिले कर दिया गया तो देखे ना, हल्का बंदी नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा तो इंटरम सेटअप 3 महीने के लिए आता है, वो 6 साल तक भी रह सकता है, पाकिस्तान की तारीख और है, वो 6 साल तक भी रह सकता है। सो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, सलमान मुजाहिद बलोच
मिले आसिफ जरदारी से, क्या आप कुछ अट्रैक्शन नहीं दे सके या आप टिकट मांग रहा था? वो टिकट मांग रहा था, कमिटमेंट मांग रहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा, आप मुझसे अभी कमिटमेंट करें टिकट का। तो जाहिर है टिकट की अभी तो देखे ना, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, किसी को टिकट नहीं मिला, मतलब जब वो वक्त आएगा उस वक्त देखेंगे कि किस कौन इलेक्शन। आप कंफर्म कर रहे हैं सरदार नबील कबूल साहब के डॉक्टर के सलमान मुजाहिद बलोच ने टिकट मांगा था जो कि नहीं दिया, नहीं रिफ्यूज कर दिया गया, इसी नुक्ते पर रहिएगा। फैसल वाडा साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप तो उस यहां जो रिपोर्ट्स आई, लेट मी मेक इट क्लियर, आप तो उस प्रोजेक्ट के रादर एक बेसिक मेजबान भी थे, आप थे उस मीटिंग में जब मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार को बिठाया गया यहां की रिपोर्ट के मुताबिक, वल्ला आलम क्या था, लेकिन फिर वो अलहदा हो गए। आज फिर एक विकेट गिर गई, कराची की सियासत को आप बड़ी करीब से देखते हैं, ये क्या फैक्टर्स बने आज के? डॉक्टर सलमान मुजाहिद बलोच उधर चले गए मुस्तफा कमाल साहब के पास। बहुत शुक्रिया पराजय सर। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि जैसे नबील साहब ने कहा कि ये पार्टी जो एनसीएम पाकिस्तान है उसमें जो एक्चुअली मरकजी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आमिर खान साहब के पास पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और एक्चुअली जो पार्टी को चला रहे हैं अभी वो आमिर खान साहब है। फारूक सत्तार का फेस बने और जैसे उन्होंने कहा कि नबील साहब ने कहा कि घोड़े को लंबी रेस का घोड़ा समझा गया, ये सारे रास्ते में है और हमारा स्टांस और स्पेशली मेरा स्टांस और नबील साहब का स्टांस डे वन से यही रहा है कि ये लंदन की आशीर्वाद चल रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि सबसे मम्मी पार्टी है तो मम्मी फुप्पी खाला जो भी चाची सबके थ्रू ही बात हो जाती है अल्ताफ हुसैन साहब से। और जहां तक आपने कहा कि जो इनका का गठजोड़ है एनसीएम और पीएसटी का, तो मेरे ख्याल से आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे भी इसको समझा जाना चाहिए कि सलमान बलोच साहब ने ऐसे वक्त में जिस वक्त एनसीएम पाकिस्तान अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेंथ शो कर रही है कराची के अंदर, उन्होंने उसी दिन जाकर मुस्तफा कमाल साहब को तरजीह दी ज्वाइन करने की। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है कि जो सलमान बलोच साहब जो अंदर के आदमी थे एनसीएम पाकिस्तान के, उन्होंने खुद कहा कि इसमें धड़े बने हुए और धड़े बनने के बाद कुछ लोग बहुत जल्दी से सीढ़ियां चढ़े एनसीएम पाकिस्तान के अंदर और उनका पूरे पाकिस्तान को मशहूर जमाना सर्विस प्रोवाइडर है वो पाकिस्तान के, उसमें कोई डगी छुपी बात है नहीं, हर किसी को पता है उनकी सर्विसेज के डंके जो है वो पूरे पाकिस्तान में बचते हैं। तो वो सर्विसेज की वजह से बहुत जल्दी ऊपर आ गए सीढ़ियां चढ़ के और जैसे नबील साहब ने कहा कि महाजिर ना होते हुए भी, तो ये तो पाकिस्तान का नॉर्म रहा है। आज से पहले पाकिस्तान को चोर डाकू लुटेरे कातिल भी चलाते रहे, लेकिन अब हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली सर्विस प्रोवाइडर भी इस मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, इसका नसीब कहा जाता है तो मुझे नहीं पता पराजय साहब। लेकिन वाडा साहब, अगर सलमान मुजाहिद बलोच नाराज थे, वो पब्लिकली कहते रहे कि एमकेएम पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं, टेसोरी साहब नहीं है हमारे साथ, उनके बारे में बात हो रही है, बहरहाल ये लोग मुस्तफा कमाल के पास जाने की बजाय आपके पास भी तो आ सकते हैं, आपकी पार्टी एक एजेंडा लेके चल रही है, पूरे मुल्क में जलसे भी करते हैं, आज भी जड़ावाला में बड़ा जलसा किया इमरान खान ने, छोटी जगह है लेकिन बड़ा जलसा था, तो ये क्या बात है कि फिर वही महाजर इकट्ठे बैठ रहे हैं, चले एमकेएम के पास नहीं बैठ रहे, मुस्तफा कमाल के पास जाके बैठ रहे हैं? प्राजा साहब देखिए, कुछ तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि कुछ चीजें जो नजर आती हैं टेलीविजन पे या खबरों में या अखबारों में वो उस तरह हो नहीं रही होती ना चल रही होती है, जो नजर आ रहा होता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो नजर नहीं आ रहा होता, और वो आखिरी स्टेज जो इलेक्शन से पहले आती है और उसमें सेंसेस से अपनी उठ के परिंदे इधर से उधर बैठ जाते हैं, तो बहुत सारे परिंदे हमारे पिंजरे के बाहर हैं ना, हमने भी पिंजरे का दरवाजा खोला है और वो वक्त भी नहीं आया, जब वो दरवाजे खोलेंगे तो काफी कुछ बटेरे जो है फसली मुफाद परस वो हर तरफ आ जाएंगे और उसमें हमारे पास भी समेत एनसीएम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारी चीजें स्क्रूटनी बड़ी सख्त है, मुखालफत भी होती है, डिबेट भी होती है और बड़ी कंसेंसस के बाद लाया जाता है किसी मेंबर को अंदर पार्टी के, कता नजर के उसमें अच्छे और बुरे कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन वो अभी हमने पिंजरे का दरवाजा अपना खोला नहीं है, पिंजरे की एक तरफ हमने दाना डाल दिया, सब इकट्ठे हो गए, लोगों को पता है अगली हकूमत में अल्लाह के हुक्म से चांस लोगों को पिंजरा क्यों कह रहे हो यार? चले पिंजरे का दरवाजा तो जाहिर है जब आपकी पार्टी की पॉलिसी बनेगी आप खोलेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। इमरान खान वैसे ही मशहूर है कैद करने में, पिंजरों में, पिंजरे में चिड़िया कैद करने में। आप सुन रहे होंगे कि मशहूर हैं आपके लीडर के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
ये डॉक्टर ताहिर अल कादरी के इर्द गिर्द सब इकट्ठे हो रहे हैं, ये लीडर हैं, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुल्क की सियासत किधर जा रही है इस पे बेहतरीन सियासी सूरत हाल पर ऑब्वियसली एमकेएम पाकिस्तान का हैदराबाद में बड़ा जलसा भी चल रहा है, मुल्क के इश्यूज पर हम बात करें। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, जब आपसे रबता बहाल नहीं था तो हमने बात की, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, मियाँ शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं, मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं खुद? जनरल साहब आप मुझे सुन रहे हैं? या मैं सुन रहा हूं, लेकिन आज साथ ये फारूक सत्तार साहब की स्पीच भी आपके जो लगी हुई है ना, वो भी मुझे आ रही है साथ, तो मैं सिर्फ आप क्वेश्चन दोबारा जरा करें, मुझे समझ नहीं आई। ये बातें हो रही हैं, आसिफ अली जरदारी कल गए, वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी से मिले और कहा कि मियां शहबाज शरीफ रिजाइन करें। आज इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ रिजाइन करें। मेरा सवाल ये है कि मॉडल टाउन रिपोर्ट मंदरयाम पर आने के बाद मियां शहबाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? या देखिए, आप खुद पराजय साहब एक अच्छे मुहक्किक और दानिशवार हैं, मुल्क के अंदर जमहूरियत है, इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन का आपको जलसे जलूस प्रोटेस्ट करने की इजाजत है और आपको वेट करना है, अभी इलेक्शन सर के ऊपर है और उनको करने के, लेकिन एक ब्लूप्रिंट जो इससे पहले आपके सामने पेश किया जा रहा था वो यही है कि इलेक्शन को ना होने दो, डिले करो ताकि किस तरह दरमियान में कुछ और अरेंजमेंट आ जाए तो फिर शायद हमें 2018 का इलेक्शन फेस न करना पड़े। कुछ पार्टियां जिनको ये पता है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून की चूंकि एक अक्सरियत है और ये साबित शुदा एक अक्सरियत है तो ये चांस है कि वो दोबारा हुकूमत बनाएंगे, तो कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि ये टूट जाए। आप सोचें कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मुतालबा ये था कि आप इस्तीफा दे दें तो सब चीजें सेट हो जाएगी, जब कोर्ट ने उसको हटा दिया तो अभी तक भी धरनों की भी थ्रेट्स हैं कि हम आएंगे बंद कर देंगे ये करेंगे। अभी ये कोर्ट जो है मॉडल टाउन वाला ये केस जो कोर्ट के अंदर है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है तो चीफ मिनिस्टर किस लिए इस्तीफा दे दे और हुकूमत को क्या है? और अभी जब आप बिल्कुल आगे बैलेट बॉक्सेस के थ्रू एक इंतखाब हो सकता है और सब कुछ हो सकता है तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ है कि किसी ना किसी तरीके से अभी आप ये सोच लें कि जो पार्टियां जमहूरियत का लंबगार कहती हैं वो आके हमारे साथ कॉमन सेनेट में करने को तैयार नहीं। लेकिन जनरल साहब अभी अभी पुराने धरने वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन अभी जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि 14, 16, 18 जितने भी मासूम इंसान मारे गए, डेड बॉडीज तो नजर आई, सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन था उनका? देखिए, इसकी जिम्मेदारी का तयन तो प्राचक साहब अदालत ने करना है ना, और अभी ये जो एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई, ये रिपोर्ट भी इसलिए आई है कि कोर्ट ने कहा है कि इसको भी मंजरे आम पे लाया जाए, अभी अदालत ने जिम्मेदारी फिक्स करनी है और बदन हम अपने पॉलिटिकल हरीफों को एक दूसरे को इस्तीफों पे बयान करके अटकड़ियां लगा के अदालतों में जाके उनको गैलोज पे लेके जाने की बात करते हैं तो इससे तो कुछ नहीं होगा तो वो जो अदालत बयानतदारी पे इंसाफ करेगी और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसके लिए एविडेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक केस लीगल प्रोसेस करना होगा, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ दूसरों के लिए मांग रहे हैं कल वो हमारे ऊपर जब बात आती है तो क्या हम रेडी हैं उसके लिए कि आप इस्तीफा दे दें और हट जाएं? लीगल प्रोसीडिंग तो आई 100% एग्री कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, इसका मुहर्रिक कौन है, इसके पीछे कौन था, क्या किया, ये तो फिर अदालत ने फैसला करना है ना कि जिम्मेदारी किसके ऊपर है। मैं और आप बैठ के तो लोगों को एग्जीक्यूट और जज ज्यूरी और एग्जीक्यूटर खुद बन जाएंगे तो फिर हम अपने सिस्टम के खिलाफ जाएंगे ना। जनरल साहब इधर ही जनरल साहब ये इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया आपने, सरदार साहब वो कहते हैं कि जो मुझे समझ आई जनरल साहब की बात की कि असल तो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं
और उन एम्बिशंस की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून को डिप्राइव करना चाहती हैं ये सारी जमातें, क्योंकि वो जीतना चाहती हैं। अदालती अमल है ये, मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ वो अदालती अमल है, अदालत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। फिर मियां शहबाज शरीफ क्यों रिज़ाइन करें? देखें, अदालत तो अपनी जगह, अदालत, हम अदालत के बीच में नहीं आना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने जब मिठाइयाँ खाई थी, जब रिपोर्ट भी नहीं आया था, जीआईटी की रिपोर्ट से पहले जी जी, जब अदालत ने बनी, जब ये जीआईटी जब बनी थी 20 अप्रैल का जब फैसला आया, तो उस वक्त उन्होंने मिठाइयां खाई थी, उनको नहीं पता था कि ये रिपोर्ट क्या आएगा और ये जीआईटी जो हो रही है ये इसमें क्या उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को भी समझ नहीं आ रहा है। हम समझते हैं कि देखें, हमें कोई शौक नहीं है, हम खुद सबसे ज़्यादा कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, शहादतें हमने दी हैं, जेल हमने ज़्यादा काटी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यही सियासत अब मज़ीद और आगे भी इसी तरह की सियासत हो। देखिए, ख़तरा है मुल्क में, मैं जब कहता हूँ ख़तरा है, ये भी नहीं कहता हूँ कि मुल्क को ख़तरा है। मुल्क के अंदर बैठे हुए चंद लीडर्स के वजह से मुल्क जो है इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरा है। किस चीज़ का ख़तरा है कि देखें, जमहूरियत लंगड़ी लूरी जो भी हो, जमहूरियत जमहूरियत होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जिस तरह बच्चे जो वो खेलते हैं ना लूडो का गेम, और जब वो उसमें से अगर एक हार जाता है तो वो सारे गोटियों को जो है फेंक के भाग जाता है कि भाई मैं हार गया था तो तुम लोग भी नहीं खेल सकते हो। तो ये चीज़ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ना करें। हम नहीं कहते हैं कि वो जेल में जाकर हथकड़ियाँ उसको लगे, हम कहते हैं कि भाई आपके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं। और ये जो कहते हैं हम लाशों की सियासत कर रहे हैं, दूसरों की लाशों की सियासत, दूसरे नहीं है, ये हमारे पाकिस्तानी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको जो गोलियां लगी हैं, 14 लोग शहीद हुए हैं, तो उनका जो है। और साथ साथ मैं दो इंसिडेंट को मिलाऊंगा, एक तो ये मॉडल टाउन, दूसरा बल्दिया फैक्ट्री। और जिस तरह बल्दिया फैक्ट्री के लिए अब जो सिंध के अंदर सियासत हो रही है, ये आप देखें रुख सिंध की तरफ भी करेंगे, अब रिपोर्टें जो है सिंध में भी बनेंगी, और जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको बचा नहीं पाएंगे। कौन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमाद सिद्दीकी को या इस तरह के लोगों को? देखें, अगर मुस्तफ़ा कमाल ये कहता है कि बल्दिया फैक्ट्री का सानिया एक हादसा है, तो वो फिर किसको बचा रहे हैं जो उसके साथ बैठा हुआ है? वो किसको बचा रहे हैं जिसको दुबई से लाया जा रहा है, जो उसके साथ है? तो मैं समझता हूं कि देखें लाशों की फिर सरदार साहब, बड़ी खुल के बात हो जाए आपसे, फिर मुस्तफा कमाल पे ये लेबल क्यों लगता है? वो किसी ने भेजा है उसको, कोई उसको पेट्रनाइज कर रहा है? देखिए, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बैठ के खुद अपने इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, खुद हम मीडिया में आकर उनको उनकी इमेज को खराब करते हैं। हमारा अलमिया ये है, बहुत बड़ा अलमिया है। देखे ना, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ और उनके प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, हम एक अखबार को एक स्टोरी फीड करवाते हैं, प्लांट करवाते हैं, और फिर हम दुनिया के सामने ये पेश करते हैं हम दहशतगर्द हैं। आप डॉन लीक्स की बात, मैं यानी हम दहशतगर्द हैं और हम खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं यार। तो क्या जो बंदा बाहर से लाया जा रहा है, हमाद सिद्दीकी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब उसको बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, इसलिए मैं आपको बताऊं, तो ये मुस्तफा कमाल को नहीं है इल्म? नहीं, मुस्तफा कमाल ने आज जो है ना बड़ा गलत शॉट खेला है, और इसलिए फारूक सत्तार का कामयाब जलसे हो रहे हैं, उसकी नादानी की वजह से। तो मुस्तफा कमाल की गलतियां जो है उसका फायदा डॉक्टर फारूक सत्तार। मैं आपको एक बता, शौकत साहब, मैं कराची में रहता हूं जी, मैं इसलिए आपसे जरा बच्चा हूं, मुझे पता है। देखें, उर्दू स्पीकिंग माजर वोट बड़ी तादाद में कराची में है। लंदन वाले ने अपना जो है गद्दारी साबित कर दी है, महाजर गद्दार नहीं है, महाजरों ने पाकिस्तान बनाया है। महाजर गद्दार नहीं है, महाजर लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। महाजर ऐसे लीडर नहीं ढूंढ रहे हैं जो के 260 लोगों को बत्ते के ऊपर जलाया गया हो और उसको कहे कि यह हादसा है। मैं कहता हूं कि आप उनको बुलाएं ना जो मालिकान है बल्दिया टाउन फैक्ट्री के, और उनसे पूछें कि किसने उनको बुलाया था 90 में बत्ते के लिए, किससे 5 करोड़ रुपए तय किया लिया गया, बल्कि तय नहीं लिया गया, मांग तो बहुत ज्यादा रहे थे, वो सब बता देंगे। उनको बुलाया जाए ना, तो उनको जब तक आप नहीं बुलाएंगे, आप कह रहे हैं कि ये हादसा है, तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा हादसा ये खुद है हमारे लिए कि जो लाशों की सियासत करते हैं। फैसल वाडा साहब, मैं तो इधर की बात कर रहा था, लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात उधर से आ जाती है।
मुस्तफा कमाल साहब क्या वाकई गलत शॉट्स खेल रहे हैं और उनका फायदा डॉक्टर फारूक सत्तार उठा रहे हैं और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं? लियाकताबाद में हो गया, हैदराबाद में भी बड़ा जलसा है, आपकी अपनी ओपिनियन होगी, इधर की अपनी ओपिनियन है। देखिए जी, जहां तक हमास सिद्दीकी का जिक्र हो रहा है वो तो बिल्कुल ही बजा है बिल्कुल बात, और हमास सिद्दीकी के ऊपर सिर्फ 260 लोगों के कत्ल का इल्जाम नहीं है बल्कि 2000 से 2500 लोग उसने मारे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान को पता था। और उनको उस टाइप की रिजीम गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई थी, 10-10 पुलिस वाले चलते थे और वो जो थे इंसानों को दफाई समझे जाते थे। तो ये तो मुस्तफा कमाल साहब की गलतफहमी होगी कि वो किसी ऐसे इंसान को बचा सकेंगे, और मैं नहीं समझता कि आप आज के हालात के अंदर ये पॉसिबल है, जहां मीडिया आजाद है, जहां मेरे और नबीर साहब जैसे बहुत सारे लोग बहुत वोकल है और बहुत फट फुट साले खेलते, तो ना हम करने देंगे ना ऐसा होगा वैसे भी। जहां तक तो फिर वाडा साहब मुस्तफा कमाल साहब उनको क्यों बचाना चाहते हैं हमाद सिद्दीकी को? देखिए कई दफा पराजा साहब ऐसा भी होता है, जहां तक मेरी पीएससी से इस टॉपिक पे बात हुई है तो उन्होंने मुझे बड़ा कैटेगोरिकली मुस्तफा कमाल साहब समेत, अनीस कायम खानी साहब समेत और रजा हारून साहब समेत ये बताया, ये कहा गया है कि जो कानून शक्ल लेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो बिल्कुल बजाय अब अगर कानून ने उसी तरीके से शक्ल ले ली है जैसे पहले आपने कहा, आप पीएसपी के साथ बातें करते हैं, ये मीटिंग्स आपकी पॉलिटिकल एजेंडा होता है, आप उनको बचा रहे हैं, वो उनको बचा रहे हैं, नहीं ऑफिशियल है या अनऑफिशियल? ये ऑन द रिकॉर्ड होती है, ऑफिशियल होती है। सरदार नबील कपूर साहब मुझसे ज्यादा जानना चाह रहे हैं। पराचा साहब, मेरे ख्याल नबील कपूर साहब को तो खैर सारा कुछ ही पता है, लेकिन बात सारी चीज ये है कि ये ऑफिशियल है, और जब आप कभी किसी सियासी पार्टी इमरान खान ने बात करें, अगर मुझे नबील कपूर साहब पार्टी के लिए